देख रहे हैं अमर उजाला .com, मैं गौरी त्रिवेदी। पिछले एक महीने से राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही था कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी कौन होंगे। नामांकन के आखिरी दिन दोनों प्रत्याशी मैदान में उतारे गए और सभी को चौंका दिया। जहां रायबरेली से राहुल गांधी, वहीं अमेठी से किशोरी लाल को पार्टी ने प्रत्याशी उतारा। अब हमारे साथ अमर उजाला टीम से हमारे दिग्गज पत्रकार साथी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि सियासी जो हवा है वो किधर है और सर इतना टाइम क्यों लगा है प्रत्याशी उतारने में। गौरी जी, मैं बताता हूं कि कांग्रेस दरअसल शुरू से ही कंफ्यूज थी। इसके लिए मैं आपको 2 महीने पीछे ले जाता हूं। जब सोनिया गांधी ने यहां से इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक भावुक पत्र लिखा कि अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा हमारा परिवार करता रहेगा। लेकिन बीच का ये दौर चला कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी। यहाँ स्थानीय जो टीम थी वो इसी पर परसू कर रही थी। लगातार संगठन में भी बात हो रहा था और लगातार संगठन के लोग प्रेशर बना रहे थे। रायबरेली अमेठी से चिट्ठियां लिखी गई, ढेर सारी कवायद हुई। लेकिन जो मुझे दोनों की टीम, कांग्रेस की टीम ने, प्रियंका गांधी की टीम के लोगों ने जो मुझे बताया कि यहाँ की जो उनकी पर्सनल टीम थी उनको किसी तरह का सिग्नल नहीं दिया गया कि आप ग्राउंड पर तैयारी करो। बीच में फिर संगठन की तरफ से ज्यादा दबाव बढ़ा तो प्रियंका और राहुल जी के लिए अन्य सीटें जो आसपास थी उसका भी सर्वे किया गया, सारी सर्वे रिपोर्ट सबमिट की गई। लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट को देखने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किसी तरह का कोई हामी भरने जैसा संकेत नहीं दिया। ऐसे में स्थानीय टीम की ओर से, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीम की ओर से यह भी सुझाव दिया गया कि अगर हम लोग रायबरेली में कोई दलित चेहरा उतार देते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस ने अपने परिवार के बिहाफ पर दलित उम्मीदवार उतारा है, तो एक जो वोटरों के बीच में एक मैसेज देने की बात होती है वो हो जाएगी। लेकिन जब नेशनल कमेटी मीटिंग में बैठती है तो उनको ये लगता है कि नहीं, रायबरेली जो सीट है वहां से चूंकि सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है लोगों का, इसलिए हमें हर हाल में परिवार के ही किसी व्यक्ति को उतारा जाना चाहिए। बीच में जब दलित चेहरे की बात हुई थी तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नाम आया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से इंटरेस्ट नहीं दिखाए। ऐसे में कांग्रेस मजबूरी में कहिए या लास्ट मोमेंट में, चूंकि कोई ऑप्शन नहीं इनको दिखाई दे रहा था, ऐसे में अंतिम समय राहुल गांधी आकर के यहाँ नामांकन करते हैं। तो इसको शुरुआती दौर, अब भले कांग्रेस ये कह रही कि हमारी स्ट्रेटजी थी, इसको स्ट्रेटजी हम नहीं कहेंगे। दूसरी बात यह है कि अमेठी को लेकर के कई अन्य जो पार्टी के दावेदार थे वो भी सामने आ रहे थे कि हम लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में नुकसान होने की ज्यादा संभावनाएं थी, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि किशोरी लाल शर्मा यहाँ काम करते रहे हैं कांग्रेस के बिहाफ पर, कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के बिहाफ पर, तो एक ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि स्मृति ईरानी का कद जो है, अगर हम हार जाते हैं तो हारी हुई सीट तो है ही है, अगर हम किसी कारणवश किशोरी लाल जी से हरा देते हैं स्मृति ईरानी को तो उनका कद अचानक से बहुत नीचे जाएगा। तो ये सारी तो बात की स्ट्रेटजी हुई, लेकिन जहां तक ये सवाल होता है कि पहले से कोई तैयारी थी, तो पहले से राहुल या प्रियंका के अमेठी रायबरेली से उतरे, मतलब पार्टी तो चाहती थी कि लड़े, लेकिन वो दोनों इसलिए भी नहीं तैयार थे क्योंकि हमने न्याय यात्रा के दौरान भी देखा था, राहुल गांधी की जब न्याय यात्रा आई थी यूपी में तो मैं रेगुलर साथ था। अमेठी से जब उनकी यात्रा चलती है तो राहुल गांधी एक, जैसे एक होता ना कि मोहब्बत जताने वाली बात, जो कि कांग्रेस परिवार अक्सर करता रहा है। एक जमाना था कि जब प्रियंका गांधी आती थी तो अखबारों में छपता था प्रियंका आई, मुस्कुराई और चली गई, तो इस बिहाफ पर भी वोट मिलता था उनकी एक मुस्कुराहट पर उनको देखने के लिए लोग। तो इस बार जो राहुल गांधी की यात्रा थी, इस तरह का कोई बहुत यात्रा के दौरान ही वो अनमने से नजर आए, जिसका नतीजा रहा कि वो चुनाव लड़ने तक को तैयार नहीं हुए। चलिए, ये डिबेट जारी रहेगी। इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथी रोहित सर हैं, जिनको मैं माइक दूंगी, करेंगे आगे का कार्यक्रम। सीधा बताइए, एक रात पहले क्या हुआ? जहाँ तक हम
अमेठी और रायबरेली की बात कर रहे हैं। अमेठी में ये बहुत तस्वीर बहुत पहले ही साफ हो गई थी कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं उतरेंगे, क्योंकि गांधी परिवार जो है वो परंपरा को बहुत मानता है। जब 77 में रायबरेली से इंदिरा गांधी हारी तो दोबारा उन्होंने ये सीट अपने पास नहीं रखी, उन्होंने दक्षिण भारत की जिस सीट से वो कर्नाटक की सीट से लड़ी थी उसको अपने पास रखा था। रायबरेली में ये तय था, लोग कह रहे हैं कि रायबरेली में गांधी परिवार लड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन हम लोग जिस दिन राजस्थान से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी चुनी गई और उसके बाद उन्होंने जो लेटर लिखा और उस लेटर की एक लाइन बहुत अहम थी कि अमेठी से मेरे और मेरे परिवार का रिश्ता बना रहेगा, उस दिन ये साफ लग गया था कि रायबरेली से मेरे और मेरे, सोनिया ने लिखा था रायबरेली से मेरे और मेरे परिवार का रिश्ता बना रहेगा, और उस दिन ये साफ हो गया था कि रायबरेली से कोई गांधी परिवार का सदस्य ही उतरेगा। लेकिन परिवार में जहां तक पारिवारिक सूत्र और राजनीतिक सूत्र बताते हैं ये सहमति नहीं बन पा रही थी कि उतरे कौन, प्रियंका गांधी उतरे या राहुल गांधी उतरे, और दोनों में यहां तक कहा जा रहा था कि रायबरेली सीट को लेके पहली बार दोनों के बीच में मतभेद भी सामने आए, अब मैं को लेकर कि मैं उतरूंगी या मैं उतरूंगा, ऐसा बताते। क्या ये अच्छा नहीं होता कि जिस शाम राज्यसभा के लिए सोनिया ने नामांकन भरा था उस शाम ही रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी कम्युनिस्ट पार्टी डिक्लेयर कर देती? बिल्कुल अच्छा होता, अच्छी लड़ाई के लिए इसी सबसे उपयुक्त अवसर होता। अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जिसको भी लड़ना था अगर वो उस समय तय कर लेते कि हमें रायबरेली से चुनाव लड़ना है, उनके पास पर्याप्त समय होता, तैयारी के लिए समय होता, अपने लोगों के पास पहुंचने का समय होता। पिछले 5 साल से सोनिया जी उस क्षेत्र में नहीं थी, राहुल जी का आना जाना बिल्कुल नहीं था बगल के क्षेत्र मिठी से, तो उनको एक टाइम मिलता, पब्लिक को मैसेज भी लिखते। आज लग रहा है कि जैसे वो मजबूरी में आ गए हैं, जैसे उनको कोई विकल्प नहीं मिला है इसलिए वहाँ आ गए। पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक मानती है कि उसने अंत समय तक ये खबर नहीं लगने दी कि 3 दिन से KL शर्मा जो अमेठी में मौजूद हैं वही अमेठी के प्रत्याशी हैं, इसको आप मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखते हैं? जी, इसे मास्टर स्ट्रोक कहना तो मैं नहीं समझता हूँ बहुत सही होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए, खासतौर पर वो पार्टी जब इतनी एक महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई लड़ रही है, तो उनके लिए किसी भी निर्णय के पीछे बहुत लंबा एक कोई कारण होना चाहिए, एक डिस्कशन होना चाहिए और ग्राउंड जो रियलिटी है उसकी समझ होनी चाहिए। KL शर्मा वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक उनके ऑफिस को मैनेज करते थे, वहाँ के लिए वो सांसद के प्रतिनिधि थे, लेकिन वो एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। उनको आप मैनेजर कह सकते हैं लेकिन राजनीतिक व्यक्ति वो नहीं थे। और इसलिए उनको चुना जाना मुझे लगता है वो केवल ये था कि हाँ, हमारे प्रति लॉयल्टी रखने वाले को हम जवाब। बीजेपी ने इस सीट पर बड़ा कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? बीजेपी कोई ऐसा नाम लेकर क्यों नहीं आई? वो भी अंतिम दिन तक वेट क्यों करती रही? ये दिनेश सिंह को ही टिकट देना था तो बीजेपी भी 2 महीने पहले उनका टिकट अनाउंस कर सकती थी। देखिए, एक बात हम ये कहें कि भाजपा ने दिनेश सिंह का नाम ही लिया ऐसा नहीं है, कई लोगों का नाम उन्होंने जो है सर्वे कराया था जिसमें भाजपा के वर्तमान सरकार में जो है मंत्री थे उनका नाम का भी कि वहां उनको कैंडिडेचर उनका कैसा रहेगा, लेकिन सर्वे में ये आया कि अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति लड़ता है तो ये लोग उपयुक्त साबित नहीं होंगे, और उसमें उन सब में जो सबसे उपयुक्त लगा वो दिनेश सिंह का ही नाम लगा। उसकी एक सबसे प्रमुख वजह ये भी रही होगी क्योंकि दिनेश सिंह बहुत लंबे समय तक गांधी परिवार के वफादार के रूप में उन्होंने काम किया है, यहाँ तक कि वो कांग्रेस के टिकट पर MLC भी रहे हैं, तो और वो इसलिए वो कांग्रेस की रणनीति को भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने दिनेश सिंह के रूप में जिस प्रत्याशी को वहां उतारा है उससे उपयुक्त प्रत्याशी भाजपा के पास आज की डेट में नहीं है। राहुल के सामने दिनेश कोई चुनौती है या कोई बड़ा हाई प्रोफाइल चेहरा उनके लिए अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है? निश्चित तौर पर चुनौती है, क्योंकि दिनेश सिंह जी ने लगातार होमवर्क वहां किया है, इसलिए राहुल गांधी मतलब उसको आप ऐसे समझिए ना कि राहुल रायबरेली अब उतना आसान नहीं है उनके, चाहे आप डाटा निकाल करके देखें रायबरेली की पूरी सीट का ग्राफ पे किस तरह से गिर रहा है, चाहे तैयारी के स्तर पे आप देखें तो, और दूसरा यह है कि सेंटीमेंट भी अब बदला है। अब वो जैसे मैं अभी कह रहा था ना, अब वो दौर नहीं रहा कि आप आए मुस्कुराए हाथ हिलाए और लोग मान लेंगे कि आप हमारे सांसद हो, तो ये वोटिंग के दिन कितना ये सेंटीमेंट काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास सेंटीमेंट के अलावा और कोई चीज वहां है नहीं, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास
होमवर्क है, कैंडिडेट जनता के बीच का है, तो इसलिए उस रायबरेली सीट को जितना आसान लोग प्रेजेंट कर रहे हैं मुझे लगता है उतना आसान है नहीं। अमेठी में केएल ही क्यों? अमेठी में अगर प्रियंका नहीं थी, अमेठी में अगर राहुल नहीं थे और उनको अपनी लॉयल्टी दिखानी थी उस सीट पर, तो उसके अलावा उनके पास था ही कौन? उनके यहाँ दीपक सिंह थे जो टिकट मांग रहे थे, अगर उनको दिखाना था तो उनको टिकट दे सकते थे। वहाँ टिकट मांगने वाले दलित चेहरे कई थे, उन पर वो दाव लगा सकते थे, लेकिन वो परिवार की सीट है और परिवार मैसेज देना चाहते थे कि परिवार का ही कोई आ रहा है, शर्मा उनके परिवार के। स्थानीय कैंडिडेट होने पर क्या पार्टी वहां पर टूट जाती? अमेठी में जी, अमेठी में पार्टी टूटने का कांग्रेस तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मतलब कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, इसलिए टूटने जैसी स्थिति तो नहीं थी। लेकिन चूंकि उनको ये मैसेज देना था कि हम अपने कार्यकर्ताओं का, अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। अभी यूपी में 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं, क्या इस राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने का क्या बीजेपी बाकी चरणों में भी इसको बनाएगी? तो जी बिल्कुल रूप से बनाएगी। आपने देखा होगा अगले दिन ही प्रधानमंत्री मोदी छोड़ गए, भाग गए, जैसे शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद सारी रैलियों में ये सब निकल रहे हैं बार बार, स्मृति ईरानी जाएंगी वहाँ पे, इस मुद्दे को बनाएंगी ठीक ठाक। छोड़ गए भाग्य शब्दों का इस्तेमाल राहुल के लिए अब होगा और पूरे देश में होगा इसका। ठीक है, रायबरेली वो सीट है जहाँ से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी लंबे समय तक सांसद थी, कांग्रेस का सीनियर लीडर, पीएम का चेहरा और अध्यक्ष वहाँ पर लड़ते रहे हैं। नहीं होती थी बल्कि ये कहा जाता था कि वहाँ से परिवार का ही कोई व्यक्ति आएगा, सोनिया गांधी के पत्र से भी ये स्पष्ट है। ये बात अमेठी के लिए कही जा सकती है जहाँ से रॉबर्ट वाड्रा भी एक समय पे अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर रहे थे, लेकिन फिर लगा कि शायद वो अभी तैयार नहीं है और पार्टी उनके लिए तैयार नहीं है, तो उनको कंसीडर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची में अमेठी रायबरेली का टिकट अनाउंस करती रही है, सोनिया गांधी राज्यसभा में जाएंगी, ये 3 महीने पहले तय हो गया था। पार्टी ने रायबरेली अमेठी को लेकर तैयारी पहले से क्यों नहीं की? नहीं, पार्टी तो ये जो पार्टी की कमेटी के लोग हैं, केंद्रीय कमेटी के लोग हों या प्रदेश कमेटी के लोग, ये लोग तो यही जिद लगाए थे ना कि क्या कहते हैं, रायबरेली से प्रियंका आ जाए और यहाँ से ये आ जाए, तो पार्टी तो तैयार थी, लेकिन जिस पर हम दांव लगा रहे हैं उसका तो उससे परसेप्शन बनता है ना। क्या रायबरेली के लिए राहुल गांधी अनिच्छुक थे? ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि ये एक पहली बार एक ऐसा मुद्दा आया है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे के प्रति अच्छे संबंधों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये पहला रायबरेली सीट ऐसी आई जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस पर प्रियंका भी चाहती थी मैं लड़ूंगा और राहुल गांधी भी चाहते थे मैं लड़ूंगा। क्या रायबरेली को लेकर भाई और बहन में किसी प्रकार का मनमुटाव आप भी मानते हैं? ऐसे मतभेद सार्वजनिक तो नहीं हुए हैं, ना सार्वजनिक होने वाली चीज है, लेकिन जितना समय लगा है और सब कुछ तय होने के बाद जो लंबा टाइम लिया गया और जिस तरह से प्रत्याशी का अनाउंसमेंट हुआ, उसे लगता है कुछ बात तो थी अंदर, कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसको लेकर मतभिन्नता थी और अंत में जो सामने आया वो आपकी आप देख रहे हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हमारा छोटा कार्यकर्ता केएल शर्मा ही स्मृति के लिए काफी होगा। अगर केएल शर्मा राजनीति जो कैसों का खेल है, अगर केएल शर्मा अमेठी से जीत जाते हैं तो क्या ये स्मृति ईरानी और सीधे तौर पर पीएम मोदी की भी हार होगी? निश्चित तौर पर, जिस तरह से चूंकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ती हराई थी, राहुल गांधी को उन्होंने हराया था, अगर अब जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी है, अभी तक का तो आपने देखा कि किस तरह से क्या था, अब जो उनकी स्ट्रेटजी है, उनकी स्ट्रेटजी यही है कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन की, हम स्मृति ईरानी को केएल शर्मा से अगर हरा देते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी जीत होगी। जी, सपा कांग्रेस इस बार जमीन पर दिखा, अमेठी और रायबरेली दोनों के नामांकन में बड़ी संख्या में सपाई शामिल हुए, रायबरेली में जो पूजा हुई केंद्रीय कार्यालय में वहां भी सपाई बैठे, क्या ये गठबंधन कांग्रेस के लिए रायबरेली अमेठी की जीत को आसान करेगा? ये बात तो सही है कि इंडिया गठबंधन के शुरुआती दिनों में कांग्रेस और सपा के बीच में बिल्कुल ही एक तरीके का कोई सामंजस्य नहीं दिख रहा था, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद अब दोनों पार्टियां न केवल एकजुट हुई हैं
उनके कार्यकर्ता भी एक दूसरे के साथ कम से कम अगल बगल देखने के लिए तैयार हो गए हैं, मंच शेयर करने लगे हैं, और राहुल और अखिलेश यादव के बीच में भी एक कुछ तारतम्य दिखता है। तो ये बात हो सकता है कि इस बार इन दोनों सीट्स के लिए, रायबरेली और अमेठी के लिए, सपा और कांग्रेस की पूरी ताकत जॉइंटली काम करेगी, क्योंकि इन दोनों के लिए ही ये एक प्रेस्टीज इशू है। क्या सपा कांग्रेस का पूरा वोट ट्रांसफर होने वाला है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों हम देखे सपा बसपा गठबंधन था, तब भी ये कहते थे, वो आप बताते हैं कि यहाँ कोई भी पार्टी अपना पूरा वोट बैंक जो है कि दूसरे को ट्रांसफर कर दे, ऐसे उदाहरण हमको यूपी में तो कम से कम नहीं मिलते हैं। राहुल के अमेठी से जाने को राजनीतिक रूप से चतुराई मानते हैं या ये मानते हैं कि उनका ये फैसला अभी भले आलोचना के दायरे में हो लेकिन वो उनकी जीत की राह को आसान कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का अमेठी छोड़ने का फैसला या गांधी परिवार का अमेठी छोड़ने का फैसला बहुत सकारात्मक नहीं है। इससे ना तो केएल शर्मा बहुत मजबूती से वहाँ लड़ पाएंगे और ना राहुल गांधी इसका कोई एक्स्ट्रा माइलेज उठा सकते हैं रायबरेली के अंदर। जी, विस्तार से ये बताइए कि क्या पार्टी के अंदर इन दोनों सीटों को लेकर सहमति बनने में जो भाई बहन या माँ का रोल था उसमें तीन अलग अलग तरह की बातें थी, तीन अलग अलग तरह के पावर सेंटर्स थे? नहीं, पावर सेंटर को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि पावर सेंटर जैसा तो नहीं था, लेकिन कहीं न कहीं से थोड़ी सी स्मेल तो ये आती ही थी, क्योंकि मेरी पार्टी के लोगों से जो बातचीत होती रही है उसमें ये है कि जब प्रियंका गांधी, पिछले दिनों एक वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे सामने ये बात हुई कि प्रियंका गांधी ने अमेठी के किसी प्रकरण में राहुल गांधी को कुछ टोका, तो राहुल ने सीधे मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं देख लूंगा। मतलब उनकी बात को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए। तो यहाँ जो है अभी इस चुनाव में, चूंकि ये एक मैसेज होने लगा था बीच में, जैसा कि अभी हमारे दूसरे साथी बता रहे थे कि दोनों के बीच मनमुटाव की जो बात है वो बाहर निकलने लगी थी, तो इसलिए भी कांग्रेस कमेटी ने सिर्फ राहुल गांधी को मैदान में उतार करके कि यहाँ ट्रिपल पावर सेंटर नहीं है, उसको उस चर्चा को रोकने की भी एक कोशिश की है। फिलहाल ये चर्चा कितनी रुकेगी या आगे बढ़ेगी यह तो वक्त ही बताएगा। सर, रायबरेली में महिला प्रत्याशी रही, तो इस बार राहुल के होने से क्या कुछ आप बदलाव देख पाएंगे? क्या महिला वोटर्स छिटकेगी? राहुल रायबरेली में राहुल और महिला का बहुत संबंध नहीं है, वहाँ गांधी परिवार का संबंध है। उस परिवार में फिरोज गांधी जी आए हैं, उस परिवार में इंदिरा जी वहाँ चुनाव लड़ी हैं, सोनिया जी लड़ी हैं, तो ऐसा नहीं है। वहाँ महिला वोटर महिला के मुद्दे अलग हैं। एक इशू पर कैंडिडेट के नाम पर कोई महिलाओं का मतदान इधर से उधर होने वाला नहीं है। महिला मतदाता जहाँ जानी है उनको वहाँ जाएंगे और जो पुरुष मतदाता है उनको जाना है वहाँ जाएंगे। रायबरेली में आने से, राहुल के आने से कांग्रेस एकजुट होने का प्रयास करेगी, उनके लिए एकजुट होगा। तो रायबरेली और अमेठी सीटों पर आपने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। ऐसे ही तमाम सारे समीकरण, चुनावी हवा जानने के लिए देखते रहें amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।